कह रहे हैं डियर फालम भाई, कैन यू प्लीज आस्क वसीम अकरम सर दैट इफ ही वाज प्लेइंग टुडे इन पीएसएल देन हाउ वुड ही बोल टू बाबर आजम, व्हाट वुड बी हिज लाइन ऑफ अटैक, हिज लेंथ एंड हिज वेरिएशंस। जी वसीम, यार देखो बाबर आजम इज अ वेरी गुड प्लेयर, दुनिया के 3 टॉप बैट्समैनों में आता है और प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट खेलता है। कोई पिंच हिटर हो ना तो आपको पता होता है एज अ बॉलर कि यार ये चांस है, मतलब हिट मारेगा हर गेंद पे, एक हर गेंद पे छक्का चौका तो लगना नहीं है। प्लेयर लाइक बाबर फॉर इंस्टेंस, जैसे ब्रायन लारा कभी उसने ओपन की थी वनडे में, मुश्किल था सचिन को भी बॉलिंग करना, मुश्किल थी वनडे में बिकॉज ये अच्छी गेंदों को अच्छी शॉट्स मारते थे और वो चांस आउट होने का कम देते हैं आपको। टेक्निकली सॉलिड होते हैं, सो इनके लिए कोई अच्छी डिलीवरी हो या उनको कंटेन करो, कोशिश करो कि ये सिंगल करके उधर चले जाएं। बट अटैक शुरू में 2-1 ओवर अटैक करो, जब अटैक पता लगे कि वो सेट हैं या इट्स देयर डे, पिच से पता लग जाता है, आपके रिदम से पता लग जाता है। ले जाओ नू, नहीं तो तानू ले जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पे नहीं है गा कहने टाइप। सुनो वसीम अकरम, घंटे छनकने तूने सचिन तेंदुलकर के साथ क्रिकेट खेली है, वो लेजेंड है क्रिकेट का, गोट है या ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, उसके सबसे ज्यादा रन है 35,000 इंटरनेशनल रन है, तुझे औकात भी है, मेरी बात सुनो, पूरे पाकिस्तानियों के मिला लो तो इतने रन नहीं बनेंगे जिसने उस अकेले गए हैं। और दूसरे नंबर पर विराट कोहली, तब शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कि आप उन दोनों को पकड़ के बैठ के एक ऐसे प्लेयर के साथ कंपेयर कर रहे हो जो हमेशा जिम्बाब्वे के खिलाफ, हमेशा नेपाल के खिलाफ, हमेशा ये छोटी मोटी टीमों के लिए आप रन कर देते हो और बैठ के आप इस तरह की बकवास कर देते हो कि आपको ही नहीं पता लगता आपने क्या किया। फॉर्मर क्रिकेटर हैं जी, उनकी जानिब से वैसे कहा गया है कि वो 3 प्लेयर्स को वो आउट नहीं कर सकते थे, उनका जो शुमार होता है वो पाकिस्तान के बड़े मायानास बॉलर में होता है। वसीम अकरम साहब की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि मैं ब्रायन लारा, सचिन तेंदुलकर और बाबर आजम को आउट नहीं कर सकता। कर सकता, बहरहाल उन्होंने तेंदुलकर को कई बार आउट किया है, ब्रायन लारा को भी किया है, बाबर आजम को आउट करने की ज़रूरत ही नहीं है। बाबर आजम को तो लोग कहते हैं कि आप इंटरनेशनल मैचेस में खड़ा रहने दीजिए, जितना ज़्यादा वो खड़ा रहते हैं दूसरी टीम का फ़ायदा होता है, ये नज़र भी आता है आपको। अगर आप आदाद व शुमार चेक करें, जज्बात को ज़रा एक तरफ कर, सोशल मीडिया को एक तरफ कर, इंटरनेशनल मैचेस की सिर्फ जा कर हाईलाइट ही देखें तो यू विल डेफिनेटली फाइंड इट आउट कि रियल ट्रूथ क्या है। बाबर आजम साहब तो अक्सर खड़े रहते हैं, जब रन रेट 7 का होता है वो उसको भी 7 से उठा के 8.5-9 पर करते हैं और फिर जब मारने का वक्त होता है तो वो कहीं कैच थमा के चले जाते हैं, तो इस बात पर इख्तलाफ बनता है। बाकी जब कोई बल्ला नहीं उठाएगा तो उसका डिफेंस स्ट्रांग ही होगा, एक रेंज लेने के लिए आपको थोड़ा सा बल्ला मूव करके शॉट मारना होता है ना, तो बाबर आजम तो बिल्कुल स्टिल ही खड़े रहते हैं, तो वो एक स्टांस की भी बात है। बहरहाल लेकिन कहने की बात है, आप कह रहे हैं कि 3 लोगों को, तो इनडायरेक्टली जो भी है मैं एहतराम करता हूं जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं उनका, लेकिन आई थिंक यार ये इंसाफ नहीं है। अगर आप लोग क्रिकेट खेल के इस तरह का पेट भर भर कर झूठ बोलने को तैयार हैं, बाखुदा ये इंसाफ नहीं है। यानी आपने इनडायरेक्टली बाबर आजम को सचिन तेंदुलकर के साथ खड़ा कर दिया, खुदा का वास्ता 2003 का वर्ल्ड कप में याद दिलाऊं आपको, वैसी इनिंग खेल सकते हैं बाबर आजम 98 की, वो भी पांव खराब हो गया था तेंदुलकर का, तो वो शोएब अख्तर पे कैच थमा गए थे यार, 155 की बॉलों को उन्होंने हिप्स पे ऐसे फ्लिक मारा टॉस पे जाके यार ऑफ स्टंप से, मुझे तो याद होता है भाई, इधर खाली थोड़ी बैठे, जो दिल में आए प्रमोशन करने, आप लोग इतना ज्यादा आउट हो चुके कि आप पाकिस्तान की क्रिकेट को गलत दिखा रहे हैं ये लोग पिक्चर, यार ये इंसाफ नहीं कर रहे अपने, अपना जो इसको इस मुल्क ने जो इन्हें नवाजा है, बहुत सारे मसाइल भी इनके आड़े आए हुए थे उसके बावजूद इस मुल्क ने इनको जो मकाम दिया है किसी भी स्पोर्ट्समैन की हैसियत से, ये अपना रोल बखूबी नहीं निभा रहे, ये ज्यादती कर रहे हैं। मतलब के बाबर के कंपैरिजन नहीं है तेंदुलकर के साथ, हार मतलब अभी विराट से आप बाहर निकले थे फिर गिल पे आ गए थे, अब आप वापस एकदम छलांग मार के सचिन तेंदुलकर को खेलते हुए देखा है आपने, यार खुदा का खौफ करें, यार खुदा का खौफ करें। मतलब वसीम भाई को स्टेडियम यार मुझसे नहीं पूछे ये सवाल, यार मैं बड़ा पैशनेट आदमी हूं क्रिकेट का, ये कौन लोग है, कैसे हो सकता है बाबर तेंदुलकर, यार भाई वो जो जो खेला है वो कोई खेल ही नहीं सकता यार, मतलब लिटिल मास्टर सचिन यार प्लीज यार ये वाले सवाल हटा दें सिस्टम से, ये भाई बाबर मेरे मुल्क का प्लेयर है, मैं उसकी बैटिंग या रेंज वेंज एटीट्यूड जो होता है बैटिंग का एक उस पर बात करता हूँ, मैं खुद कहता हूँ ही इज क्लासिक, सही है, एलिगेंट भी लगता है, खूबसूरत भी लगता है आंखों को, लेकिन मुझे खूबसूरती नहीं चाहिए, मुझे मैच जितवा के दे, मुझे एज नेशन हमारे क्या है कि हमें मैच जितवाएं, पीएसएल का नहीं, हुनैन शाह को ना मारे, मारे आप जाकर जो है रबाडा को बुमराह को है, वो सब मिले थे अभी आपको, मिले अफगानिस्तान के भी बॉलर थे, हम सब ने तमाशा देख लिया, तो भाई खुदा का वास्ता जो भी फॉर्मर क्रिकेटर हैं मेरी उनसे हाथ जोड़ के दरखास्त है, आप लोग एक तो एक जोन में रहते हैं, हम तो बहुत बड़ी चीज है यार, आप सिर्फ 2003 में अपने अगेंस्ट तेंदुलकर की बैटिंग याद कर ले, मैंने एक ही मैच बताया अभी, या 98 की हाईलाइट्स दिखा दें बाबर को,
जो शारजा का टूर्नामेंट था, मैकडेरा कास्परोविच और फ्लेमिंग वगैरह, भाई सांस फूल जाएगी बाबर की टंडोलकर की बैटिंग ही देखते हुए। रीजन क्या है? मैं एक स्टेटमेंट देख रहा था वसीम अकरम साहब का, उन्होंने कहा कि जी बाबर जो हैं वो ब्रायन लारा और सचिन टंडोलकर के लेवल के खिलाड़ी हैं, तो आप पहले इस बात से एग्री करते हैं? नो डाउट बाबर बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन ब्रायन लारा और सचिन टंडोलकर से मिलाना, अभी दो मैच में नहीं खेलेंगे ना, फिर यही वसीम अकरम जो है उनको बहुत कुछ बोल रहे होंगे, जैसे रमीज राजा साहब अब बोलते हुए नजर आते हैं, पहले तो उनका वो लाडला था, अब वो बुरा हो गया, तो एकदम हम प्लेयर्स को इतना पहले आसमान पर बिठाए थे कि ब्रायन लारा सचिन टंडोलकर, फिर वही हो जाएगा गली का आफाक। देखिए वसीम अकरम ने ये नहीं कहा, मैंने उनका स्टेटमेंट देखा, उन्होंने मिलाया नहीं, उन्होंने ये कहा था कि मैं जिस तरीके की बॉलिंग, बाबर जिस कैलेबर के बैट्समैन है, मैं जिस तरह की बॉलिंग ब्रायन लारा को करता था, जिस तरह की बॉलिंग में सचिन तेंदुलकर को करता था, मुझे उसी तरह सीरियस बॉलिंग करना पड़ेगी, ये इस लेवल के प्लेयर हैं। मिलाना तो अगर उन्होंने मिला रहे हैं तो भाई खेलते होंगे, लेकिन अभी वो नहीं है, ना ब्रायन लारा है और ना वो अभी सचिन तेंदुलकर है। वही है ना कि हम इन चीजों से बाहर कब आएंगे। ख्वाजा नाफे ने अच्छा खेला था, हमने ख्वाजा नाफे पूरे मोहल्ले में हमने पोस्टर लगा दिया, आपको याद है पहले ही दिन मैंने कहा आपने कहा नहीं किया, ख्वाजा नाफे ने सब भरा पड़ा हुआ था, उसके बाद बेचारा ख्वाजा नाफे कहां गया अभी उसको नहीं पता। तो ये हम खुद प्लेयर्स को बिगाड़ नहीं देते, पहले खूब चढ़ा देते हैं और एक दो मैचों में वो जरा सा बेचारा ऊपर नीचे होता है तो फिर उसको ऐसा खींचते हैं कि गली मोहल्ले के लड़के भी क्या होंगे। पहले कोहली से इसलिए मिलाया जा रहा था कि वसीम अकरम ने कोहली को बॉलिंग नहीं की थी, वसीम अकरम रिटायर हो गए थे जब कोहली आए थे, लेकिन वसीम अकरम ने ब्रायन लारा और सचिन तेंदुलकर को बॉलिंग की थी, तो ग्रेट बॉलर है और उन्होंने अपने दौर के प्लेयर्स की बात की कि मैं जिस, जाहिर है वो दो बहुत बड़े प्लेयर थे, उनको मैं जितना संभल के बॉलिंग किया करता था, इसी तरह बाबर बहुत एक कैलेबर का नाम है, लेकिन कभी बाबर को मिला देना आपका विराट कोहली से, कभी देखे ना विराट कोहली से मिला मिला के हमने एशिया कप और वर्ल्ड कप दोनों की सारे रिकॉर्ड बराबर कर दिए वो हमने देखे। और देखिए जी बाबर जो है नो डाउट उसमें कोई दो राय नहीं है, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है, एक बहुत अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन जी हमारे सीनियर जितने भी स्पोर्ट्स प्लेयर हैं इन्हें ये नहीं चाहिए कि जी उससे मिला दो इससे मिला दो, आप चाहे अप्रिसिएशन करने के लिए कर रहे होते हैं, मुझे अच्छी तरह याद है रमीज राजा साहब ने बहुत बाबर किया था, अब वही बाबर को तनकीद का निशाना बना रहे होते हैं, तो स्टेटमेंट जो है ना वो बैलेंस रखा करे, और प्लेयर है बाबर है, हम ये चाहेंगे कि दूसरे मुल्क के लोग बोले कि यार ये प्लेयर बाबर की तरह खेल रहा है, ना कि आप बिला वजह जो है कंफ्यूजन पैदा करें। तो बाबर आजम का वसीम अकरम ने जिस तरीके का बयान दिया उस बयान को देखते हुए तो यही लग रहा है कि वसीम अकरम सचिन तेंदुलकर के साथ बाबर आजम का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो बाबर आजम का सचिन तेंदुलकर के साथ कंपैरिजन नहीं बनता, ना कि विराट कोहली के साथ कंपैरिजन बनता है। बाबर जब बड़ी टीमों के सामने खेलना होता है तब बाबर आजम कुछ नहीं कर पाता और प्रेशर में आके आउट हो जाता है, वहाँ जहाँ पे देखिए सचिन तेंदुलकर विराट कोहली ऐसे बल्लेबाज जो कि प्रेशर को सोखते हो अपनी टीम को लेकर चलते हो और टीम को फिर उसके बाद जीत दिलाते हैं। तो बस मैं ही क्यों वीडियो को कहता हूँ, खत्म, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय श्री राम।